राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले का जिद अब मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह के पीछे पड़ गया है, क्योंकि 4 अक्टूबर को शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए संजय सिंह बड़ी उम्मीदों के साथ ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए याचिका लेकर दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन हाईकोर्ट ने ईडी की दलीलों को सुनने के बाद संजय सिंह की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ये कह दिया कि ये याचिका सुनने लायक नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। अब आखिर ईडी ने कोर्ट में जज के सामने ऐसी क्या दलीलें पेश की जिसे सुनने के बाद हाईकोर्ट ने संजय सिंह को बड़ा झटका दे दिया, वो आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह के वकील की तरफ से ईडी की गिरफ्तारी पर जो सवाल खड़े किए गए उसका जवाब देते हुए ईडी ने कोर्ट में कहा, कानून के मुताबिक जांच पड़ताल के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। जांच पड़ताल के दौरान ये दावा किया गया कि संजय सिंह भी आबकारी नीति घोटाले की साजिश का हिस्सा थे। संजय सिंह दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा के करीबी थे। संजय सिंह रिश्वत लेने का भी हिस्सा थे, उन्होंने 2 करोड़ रुपए लिए थे। संजय सिंह की याचिका जो रिट याचिका की आड़ में जमानत अर्जी है विचारणीय नहीं है। संजय सिंह और उनके सहयोगी शराब की दुकानों को लाइसेंस देने के फैसले में शामिल थे। इस शराब नीति की वजह से आर्थिक नुकसान हुआ और इसमें भ्रष्टाचार से जुड़े नियमों का भी उल्लंघन किया गया। इससे पहले संजय सिंह के करीबी सहयोगी अजीत त्यागी और अन्य ठेकेदारों तथा व्यापारियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इन सभी पर आरोप लगा था कि इस नीति की वजह से इन्हें फायदा पहुंचा है। तो ईडी की इस पूरी दलील को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने संजय सिंह की याचिका को खारिज कर दिया, लिहाजा संजय सिंह को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। उन्हें 27 अक्टूबर तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में ही रहना होगा, जहां इसी मामले में उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया भी बंद है। तो वहीं संजय सिंह को राहत न मिलना इस तरह से भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से सिसोदिया इस शराब घोटाले में 8 महीने से ज्यादा जेल में बंद है, जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं, ऐसे में क्या संजय सिंह का हाल भी सिसोदिया के जैसा होने वाला है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।